अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल मसूद और आप देख रहे हैं ज़मीननामा। आज आपके लिए एक और खूबसूरत घर जो कि मॉडल कॉलोनी की प्राइम लोकेशन में वाक़ है, 100 गज है और 2 कॉर्नर का घर है ये। इसमें एक्स्ट्रा लैंड भी है। इसी तरह मैं आपको इसके अगर बाहर का आउटर लुक दिखाऊँ तो ये बाहर तकरीबन 30 फिट की ये गली है, वाइट गली है और बड़ा अच्छा स्पेस है, इन्वायरमेंट भी बड़ा अच्छा है और ग्राउंड प्लस वन है। इसके अकोमोडेशन की बात करूँ तो ग्राउंड पर 2 बेड DD और फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेड DD बना हुआ है। आइए मैं आपको अंदर इसका आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अगर अंदर आते हैं तो ये कार पोर्च छोटे सा, तकरीबन अल्टो या मैरान यहाँ पे आ सकती है, आराम से अकोमोडेट हो सकती है। और अगर हम यहाँ बाहर की बात करें तो यहाँ पे एक वॉशरूम है, इसको पाउडर रूम भी कहते हैं। सिंक लगा हुआ है यहाँ पे। बाहर अगर दिखाएं, अगर मैं जैसे गेट से बाहर आता हूँ तो मेरे लेफ्ट पे ड्राइंग रूम आता है, जिसको ये देखें आप, ये इन्होंने ड्राइंग रूम ओपन दिया हुआ है। 2 साइड कॉर्नर है तो यहाँ पे भी विंडो है एल्युमिनियम की, यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है, इधर एल्युमिनियम के इधर भी काम हुआ हुआ है। देन आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं ऊपर, कितनी खूबसूरत फॉल सीलिंग की हुई है। और ये तकरीबन स्टैंडर्ड इसका ड्राइंग रूम है। इसी तरह ये इन्होंने ओपन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसी तरह ड्राइंग रूम अगर हम आगे आते हैं तो ये लॉन्च है, तो लॉन्च के अंदर LED बॉक्स की इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे काम हो रहा है तो यहाँ पे LED बॉक्स इजीली बन सकता है आपकी सहूलत के साथ, तो जो चाहे आप करें। इसी तरह इसकी फॉल सीलिंग भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग है। कम्बिनेशन इसके ब्राउन एंड वाइट है। और मैं आपको इधर दिखाऊँ तो यहाँ पे किचन है, किचन का वर्क देख सकते हैं, एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है, एक्रेलिक शीट है सारी प्रॉपर। ये देखें, ये तो खुला हुआ है, मैं आपको ये दिखाता हूँ कितना अच्छा काम हुआ हुआ है, लकड़ियों का एक्रेलिक शीट है सारी। इसे ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है, सिंक बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत इसका किचन है। इसके पहले रूम की जाने लेकर चलता हूँ, उससे पहले आप ये देख सकते हैं जाफरीज का काम हुआ हुआ है, हर विंडो के ऊपर दरवाजे के ऊपर जाफरीज का काम है। ये स्टैंडर्ड साइज है, तकरीबन 12x11 का ये रूम है। और इसके साथ क्योंकि कॉर्नर है तो ये इसको भी एडवांटेज है कि यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इन्होंने विंडो दी हुई है। और यहाँ पे अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो ये वॉशिंग एरिया है, इसका जो वॉशरूम है इस रूम का वो बाहर है, वो इस तरफ लगा हुआ है। इसके साथ आप ये देख सकते हैं ये इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, ऊपर वेंटिलेशन के लिए ढक दी हुई है। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब लेके चलता हूँ। आइए आ जाइए। इसी तरह जैसे हम ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं तरबेला मार्बल लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं आप जो इसका काम है, ये SS का काम, प्योर SS का काम हुआ हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, जैसे मैं ऊपर आता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने स्पेस दी हुई है, यहाँ पे आप कोई कुछ भी करना चाहें XYZ कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह मेरे राइट पे पहला इसका ड्राइंग रूम है ऊपर वाले रूम का, इस रूम के साथ ये आप देख सकते हैं लकड़ी का काम जो है वो मैं आपको बताना भूल गया, बहुत ही अच्छा लकड़ी का काम हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं लकड़ी का वर्क। इसी तरह ये देखिए, क्योंकि ये कॉर्नर है तो इन्होंने नॉर्मली इस तरह की विंडो का कॉन्सेप्ट कम होता है, ये आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एल्युमिनियम लगाया हुआ है। और फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं किस तरह की फॉल सीलिंग हुई हुई है, ऊपर आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं किस तरह की खूबसूरत फॉल सीलिंग हुई हुई है। इसी तरह क्योंकि कॉर्नर है तो मैं आपको एक और एडवांटेज दिखाऊं इस घर का, कि यहाँ से भी विंडो आपको विंड आराम से मिल सकती है क्योंकि कॉर्नर है, तो क्रॉसिंग बहुत अच्छी क्रॉसिंग हुई हुई है, विंड की क्रॉसिंग है यहाँ पर रूम में, तो कोई हब्स का कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह यहाँ पर छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर आप अकोमोडेट कुछ भी करना चाहें, सामान रखना चाहें अपना XYZ तो रख सकते हैं। इसी तरह मेरे आगे चलेंगे तो आगे जाने के बाद सबसे पहले इसका आता है किचन आता है। किचन आप देखेंगे, किचन बड़ा खूबसूरत किया हुआ है इन्होंने, इसका भी यहाँ कलर थोड़ी कलर की जो थीम है वो चेंज है, यहाँ पर नीचे रेड थी, यहाँ पे ब्लैक है, ये आप देख सकते हैं लकड़ी का जो काम है, एक्रेलिक शीट्स लगी हुई प्रॉपर, ये आप देख सकते हैं क्योंकि अमूमन ये होता है कि खवातीन किचन पे फोकस रखती हैं तो इसके लिए दिखाना भी पड़ता है कि किस तरह का किचन वर्क है। ऊपर आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फॉल सीलिंग है, इस पर ब्लू कलर और इसे तकरीबन येलो
रेड कलर यूज हुआ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसकी फॉल सीलिंग है। बड़ा सा ये लॉन्च है, लॉन्च के साथ आप वो देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एलईडी भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम पहले रूम के जाने में आएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर के, तो ऊपर जाफरीज का काम है। देन इसका तकरीबन 10x11 का ये रूम है, और 10x11 का ये प्रॉपर रूम है। इसके साथ इन्हें यहाँ पे भी इन्होंने ये दिया हुआ है, विंडो दी हुई है क्रॉसिंग के लिए, मतलब बड़ा हवादार ये घर है। इसी तरह हम आगे आते हैं तो इस रूम के साथ अटैच बाथ ही मौजूद है। आप काम देखना चाहें तो काम देखें, एक सैनिटरी वर्क, बड़ा बड़ा लाइट कलर इन्होंने यूज़ किया हुआ टाइल्स का, मुस्लिम शावर लगा हुआ है, एक सिंक लगा हुआ है, इसके अलावा का बोर्ड लगा हुआ है। इसी तरह ऊपर आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं कि किस तरह की फॉल सीलिंग इस पे यूज हुई हुई है, बड़े राउंड शेप में यूज की हुई है। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट जिसका रूम है वो लेके चलता हूँ। वो ये उसके मुकाबले में बड़ा रूम है, तकरीबन ये 12x13 का ये रूम है तकरीबन, और ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह की फॉल सीलिंग हुई हुई है। इसी तरह इस रूम का भी ये एडवांटेज है कि कॉर्नर के होने होने की वजह से ये आपको क्रॉसिंग आप देख सकते हैं, बड़ा एडवांटेज है। वो लकड़ी का काम, एल्युमिनियम का काम बड़ा खूबसूरत किया हुआ है, लकड़ी का काम और एल्युमिनियम का बड़ा एक लेवल का काम किया हुआ है। इसी तरह से आज भी अटैच बाथ मौजूद है। अच्छा व्यूवर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसकी अगर आपको प्राइस जानना है तो इसके मैं बताऊँ तो तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख की डिमांड है, निगोशिएबल है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगली वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।